हेलो एवरीवन एवरीवन दिस इज निकेतन फर्स्ट हैप्पी दिवाली टू आई होप ये देखा होगा कल कैपराउंड कॉलेज डालना था डेट <coughs> तो कल खत्म हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो ट्वेंटी फिफ्थ को ये डेट पूरा खत्म हो गया है अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स मतलब एज पर देयर रैंक एज पर देयर परसेंटाइज ओके एज पर देयर कास्ट एंड लोकेशन मतलब उनको मुंबई चाहिए पुना चाहिए नागपुर चाहिए क्या चाहिए उसके हिसाब से अपने टॉप से लेके बॉटम तक कॉलेजेस के ऑप्शन डाले बराबर पूरा सोच समझ के जिन जिन लोगों ने हमको कांटेक्ट किया था हमने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है राइट एंड उनके सारे स्टूडेंट्स को हमने उनका प्रॉपर ये चार पैरामीटर को ध्यान में लेते हुए उनको कॉलेजेस का लिस्ट बना के दिया है राइट सो so, ये सारा एनालिसिस uh, को गवर्नमेंट अभी एनालाइज करेगा एंड एज पर यूर कॉलेज जो आपने डाला है उसको कितने लोगों ने अप्लाई किया है उसको सारा ध्यान में रहते हुए ट्वेंटी एट को अराउंड पांच बजे तक आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा राइट right? कि आपको आपने जो कॉलेजेस दिया है उसमें से कौन सा कॉलेज आपको मिल गया है राइट right? तो ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी नाइन को अगेन आई वुड रिक्वेस्ट डेफिनेटली नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन बराबर एंड नाइनटी परसेंट है इस कैटेगरी को जो जो अपने कॉलेजेस डाले हैं टॉप टेन वो मिलना ही मिलना है उसमें कुछ भी डाउट नहीं है लेकिन द पर्सन हुआ सेक्योर टेन परसेंट टाइल टू एटी परसेंट टाइल या वी कैन कंसीडर 90 परसेंट टाइल इन सारे स्टूडेंट्स को कैप्टन वन में एक तो अपने जो सोचा है वो कॉलेज नहीं मिलेगा दूसरा ही कौन सा कॉलेज मिल जाएगा थोड़ा नीचे वाला ये वाला और ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा तो ये दोनों केसेस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है राइट तो पहला स्टेप में आपको सबको रिक्वेस्ट करेगा कि लास्ट चुके हैं तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो चुका है जेबी सिडनेम वेलिंगकर सीओपी कुंबा बराबर उसके अलावा चेतना एमटी एस आई एस और इंदिरा के दो कैंपस बराबर अभी सपोज आपको परसेंटेज थोड़ा कम है लेकिन आपको इसमें से कौन सा कॉलेज मिले तो आपको क्या करना चाहिए और प्लस जिन जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है और जिन लोगों को नहीं हुआ है उन सारे लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार हमें पूछिए राइट तो व्हाट वी कैन डू उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है या उस कॉलेज के जो फैकल्टीज है आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे का स्ट्रेटेजी बना सकते हो एंड दैट्स वाई मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस

आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे बिकॉज कैप्रॉन वन के बाद आपके पास सिर्फ दो ही दिन है और ओके तीन दिन है सॉरी तीन बजे तक का कि जहाँ डिसीजन लेने का है राइट? तो आपको तीन ऑप्शन आने वाले ऑप्शन यू आर मतलब आपको कॉलेजेस जो मिला है उससे आप खुश नहीं है और आपको कैपराउंड में पूरा ऑप्शन अलग से ही भरना है एंड दूसरा है कि किसी को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाता है एंड बेटरमेंट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेटरमेंट ऑप्शन में अगर आपको आपको आगे जाना है कि इसको फ्रिस करके वापिस स्टॉप कर देने का है right? राइट तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजी होगा आपका एंड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज एक मेंटर को आपके साथ में रखिए आप खुद से डिसीजन मत लीजिए बिकॉज आप अकेले हो आपको आ, क्या प्रकार से उस प्रेशर में स्ट्रेटेजी करना है या आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपका दिमाग तो इसके लिए आप एक मेंटर का सहारा लीजिए और जो लोग ब्राइटवेज के कनेक्ट में है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है उन लोगों को तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा जो भी आपका अलॉटमेंट आता है वो प्लीज हमसे शेयर करजिए सो दैट वी विल बी एबल टू गाइड यू दैट वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर फ्रीज फ्लोट और बेटरमेंट ओके तो ट्वेंटी तक वेट आपको करना है ट्वेंटी नाइन को थर्टी फर्स्ट तक आपको उस कॉलेज में जाकर आपका है तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करेगा कि आपके पास दिन है तो आपका फंड भी चेक कीजिए कि आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है क्या फर्स्ट ईयर का फीस भरने के लिए बराबर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में बना के रखिए बराबर एंड उस हिसाब से आप इस राउंड वन के अलॉटमेंट के लिए रेडी हो सकते हैं इसके बाद आपको कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप गिवन नंबर पे कॉल कीजिए बराबर आपके सारे डाउट को हम सॉर्ट आउट कर देंगे बराबर एंड पेशेंस रखिए डेफिनेटली अगर आप कैपराउंड 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 और को कैपराउंडली खेलते हैं तो आपको कॉलेज हंड्रेड परसेंट मिल जाता है अगर कॉलेज नहीं मिल पाया तो आई एस राउंड के भी सीट निकलेंगे उसके थ्रू भी उस कॉलेज में आप एंट्री कर सकते हो तो कीप पेशेंस ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट कैपराउंड में मिला एकदम घटिया कॉलेज मिला है और आपको टेंशन है और आप वहां पे जाके अपना एडमिशन बुक कर देते हो तो ऐसा गलती मत कीजिए आपको मुंबई पुना के टॉप ट्वेंटी टॉप थर्टी कॉलेज से ही एम करना है ओके तो गेट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर क्रैप कैपरास बाय बाय टेक केयर